टीम इंडिया के स्टार ओपनर शिखर धवन ने आज सुबह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। शिखर धवन, जिन्होंने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से क्रिकेट प्रेमियों के दिलों पर राज किया, अब सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो पोस्ट कर अपने संन्यास का ऐलान किया। धवन ने 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया था और 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ अपना आखिरी वनडे खेला। उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर में बेहतरीन पारियों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन पिछले कुछ समय से वह टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे। धवन ने 1 मिनट 17 सेकंड का भावुक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने क्रिकेट सफर की यादों को साझा किया। वीडियो में उन्होंने अपने बचपन के दो कोच तारक सिन्हा और मदन शर्मा का नाम लिया, जिनके मार्गदर्शन से उन्हें क्रिकेट के गुर सीखे। धवन ने कहा, मेरी हमेशा से एक ही मंजिल थी, इंडिया के लिए खेलना, और वह सपना पूरा हुआ। मैं अपने फैंस, परिवार और कोच को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धवन ने यह भी कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना जरूरी है, और वह भी अपने क्रिकेट के सफर के इस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं। धवन ने अपने संदेश के अंत में कहा, मैं अनगिनत यादें और कृतज्ञता लेकर जा रहा हूं। प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। जय हिंद। शिखर धवन का यह संन्यास क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ा मोड़ है, और उनकी विदाई के साथ ही भारतीय क्रिकेट के एक सुनहरे अध्याय का अंत हो रहा है। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना। नमस्कार सभी को। आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ से पीछे देखने पर सिर्फ यादें ही नजर आती हैं और आगे देखने पर एक पूरी दुनिया। मेरी हमेशा से एक की मंजिल थी, इंडिया के लिए खेलना, और वो हुआ भी, जिसके लिए मैं कई लोगों का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मेरी फैमिली, मेरे बचपन के कोच तारिक सिन्हा जी, मदन शर्मा जी, जिनके अंडर मैंने क्रिकेट सीखी, फिर मेरी टीम जिसके साथ साथ मैं सालों खेला, मुझे एक परिवार और मिला, नाम मिला, आप सबका प्यार मिला। पर कहते हैं ना, कहानी में आगे बढ़ने के लिए पन्ने पलटना जरूरी है, तो बस मैं भी ऐसे ही करने जा रहा हूँ। आई एम अनाउंसिंग माई रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। और अब जब मैं अपनी क्रिकेट जर्नी को अलविदा कह रहा हूँ, तो मेरे दिल में एक सुकून है कि मैं अपने देश के लिए बहुत खेला, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ BCCI DDCA का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और मेरे सारे फैंस का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। और मैं बस खुद से यही कहता हूँ कि भाई, तू इस बात से दुखी मत हो कि तू अपने देश के लिए फिर नहीं खेलेगा, पर इस बात की खुशी अपने पास रख कि तू अपने देश के लिए खेला, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, मैं खेला।